हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बिपिन रावत, स्वागत है आपका बी माइनर व्लॉग्स में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम जा रहे हैं जिम। ओह, अब हमने जिम स्कूटी भी जाना छोड़ दिया, अब हम जाएंगे पैदल, थोड़ा बहुत रनिंग करते हुए। एक तरह से वार्म अप भी हो जाएगा सुबह सुबह, और थोड़ा चलना भी चाहिए भाई। ऐसी जिम विम करके जिम जाओ स्कूटी पे, वापिस जाओ स्कूटी पे, तो फिर अपना थोड़ा बहुत मैंने सोचा कार्डियो हो जाएगा, पैदल जाएंगे अपना तो। और सुबह सुबह वार्म अप टाइप भी हो जाता है भाई, सैर भी हो जाती है एक तरह से, तो इसलिए मैंने कहा स्कूटी को करो साइड, मार्च करो स्टार्ट, क्योंकि सबसे बढ़िया है। ये हमारे जिम जाने का रास्ता, पीछे वाले गेट से निकले हम, और ये देखिए बगल में खेत खलिहान हमारे। खेत खलिहान इस वाली जगह पे प्रॉपर फैल रखे हैं, जब तक यहाँ पे और कोई कॉलोनी वगैरह नहीं कटती तो जब तक तो हैं, जिस दिन कट गई तो फिर ये भी गायब हो जाएंगे। तो अपने साथ वाला बंदा भी डायरेक्ट जिम पहुँचेगा अभी, क्योंकि वो लेट हो गया। वो पहले कह रहा था मैं आता हूँ रनिंग करते हुए साथ में, बट फिर कह रहा मैं लेट हो गया, मैं सीधा जिम ही आता हूँ, तो तू निकल, तो इसलिए हम निकल लिए जब तक। और ये पीछे देखिए सड़क, कोई नहीं दूर दूर तक, और जिम यहीं पर ही है, मतलब मेरा वाला ना, तो मतलब आधा किलोमीटर लगता है, तो बढ़िया है यार, आधा किलोमीटर में थोड़ा भाग दौड़ भी हो जाएगी, वार्म अप हो जाएगा, शरीर थोड़ा गर्म हो जाएगा। भौक भौक और भौक भाई, इधर से भौक, तू बाहर मत जाना, तू है भौक, हाँ भौक, भाई। जिम वगैरह से आने के बाद हम नहा धो के वही एज यूजुअल जो हमारी दैनिक दिनचर्या रहती है वो हो गई हमारी, और हमारी बाई को लगी हुई है रोटियां सेकने पे, आरव सो गया है, और बाई को मराठी में बीवी को बाई को बोलते हैं। अच्छा, बाई काम वाली, काम वाली बाई नहीं, बाई को, बाई को होता है, बाई को, माझी बाई को, माझी बाई को। तो आज क्या बनाया भाई, ये तो पापा वाली सब्जी है, पापा भी बिना लहसुन और प्याज के खा रहे हैं, जब तक गांव में दादाजी का वो श्राद्ध वगैरह नहीं करते तक, वो अभी जाने वाले हैं शायद 2-4 दिन में, तो वो जाएंगे अभी। और क्या बनाया, और क्या बना रहे हैं आज, व्हाट इज इन द मेन्यू? इसमें राजमा है और मिक्स वेजिटेबल भी है, ये मिक्स वेजिटेबल का सामान कट के रखा है, जिसमें से मैं खुम्बा उठा लेता हूँ एक, इसमें क्या है, दलिया वाला बंदा सो गया। तो भैया मैंने खाया भाई एक केला, उसके बाद एक ब्रेड, और मैं चला अब अपनी कॉल लेने अंडर द शेड। भाई साहब सो रखे हैं अभी, 10:30 हो गए भाई, कॉल लेते हैं। यहाँ गिला नहीं किया, पोछा मारा गया इन्होंने, तो काम खराब हो गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमारा सबका नाश्ता हो गया डन, तो आज आ रहे हैं मम्मा पापा, और उनके लिए मैं बना के रखूँगी खाना दोपहर का, क्योंकि अभी उनको दोपहर तक का टाइम लगेगा आने के लिए। तो अभी मैंने उनके लिए बनाया राजमा, मिक्स वेज, और बाकी और भी चीज़ें बनाई हैं, और साथ में जो राइस है और रोटी है वो मैं बाद में बनाऊँगी गर्म गर्म। तो अभी आरिफ के लिए भी मैंने बनाया यहाँ पर दलिया, तो आरव अभी सो रखा है, उठ गया था सुबह, पर उसके बाद थोड़ा बहुत ही खेल के फिर उसके बाद सो गया था। तो जब आरव उठेगा तो मैं उसको दलिया खिला दूँगी, और अभी देखिए मेरे पतिदेव क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये इमेजिनरी क्रिकेटर बनते हैं यहाँ पर। इमेजिनरी क्रिकेट नहीं है ये बताऊँ क्या है, इमेजिनरी जो बंदा डेडिकेशन, जो बंदा क्रिकेट में कुछ कर नहीं पाता ना, जब वो खत्म हो जाता है उसका हिसाब किताब क्या, कुछ नहीं हो सकता, तो बस वो ऐसे ही करता रहता है, बस जैसे उसको थोड़ा सा टाइम मिले, बस मोस्टली ये जो बंदे वही हैं जो ऑफिस में काम करना शुरू कर देते ना,
अपने, क्योंकि ड्रीम होता है कि यार क्रिकेटर बनूंगा, नहीं हो पाया तो विपिन बचपन से विपिन का ड्रीम था कि उन्हें क्रिकेटर बनना था पर बन नहीं पाए तो कोई बात नहीं, अब आरव बन जाएगा आपकी जगह, ठीक है? मतलब आरव को अगर पसंद हुआ तो आरव को हम क्रिकेटर बना देंगे, अगर उसको उसको पसंद हुआ तो हम बना ही सकते, मतलब वो खुद ही बनेगा, हम क्या बनाएंगे उसको कुछ। तो अभी मैंने किचन भी सब साफ कर दिया एकदम, और अब देखते हैं आगे क्या करती हूँ मैं, और काम करते हैं। बाकी आज सफाई वगैरह मम्मी ने सुबह ही कर दी थी क्योंकि मेहमान आ रहे हैं तो उनके सामने थोड़ा हम सफाई करेंगे। आरू पंखा देख, पंखा देख रहा हूँ, पंखा तो कहाँ लेके जाऊँ इसको मैं, ये पंखा देख रहा हूँ। चलो 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 उधर चलो उधर चलो उधर चलो, देख कितने गौर से देख रहा पंखा वो। हम पोछे मारने शुरू कर दिए दोबारा, क्या चक्कर है? बाथरूम में पानी बह रहा है तो तुम्हारी गलती है ना, बाथरूम में सफाई किसने की होगी? तुमने की तो तुम पानी बह रहेगा तो चेक करना। अच्छा ये है तुम्हारा एक्सक्यूज, अरे ये काम नहीं चलेगा, दो मतलब गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। वहां से आया क्या, वॉश बेसिन से आया? उधर से वॉशरूम से बेटा तुम ही थे गए लास्ट टाइम। नहीं 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 मैं तो तुमको ही मानूंगा, नहीं तो दरवाजा खुलते ही बाहर भागने को करता है, दरवाजा खुलते ही चपड़ गंजू कहेंगे नाना नानी आ रहे, ओ आरू नाना नानी आ रहे। ओ आरू के बच्चे ओ पंखा कम देख। सो भाई थोड़ा सा काम हुआ अभी ऑफिस का, तो जब तक पापा कह रहे इसको देख ले, ये अपनी गाड़ी लेके इधर उधर घूमता रहेगा, और हमारी पोचा पोचा मास्टर पोचा मारने में लगी हुई है। रगड़ो रगड़ो, टाइल में शक्ल दिखनी चाहिए अपनी, जब तक वो शीशे की तरह शक्ल नहीं दिखेगी जब तक टाइल रगड़ते रहो एकदम अच्छे से, रगड़ते रहो एकदम जोर से। पानी ये देखियो कितना पानी, बाप रे बाप। आपके काम? मेरे काम। अच्छा बेटे देखो यार कहाँ से निकला पानी है वॉशरूम से, यहाँ तो एक पानी का तड़का नहीं, यहाँ तो सब सूख रखा है, वहां तो सब सूखा हुआ है, सब सूखा हुआ है वहां तो। अरे जिसने अंदर से पानी गिराया होगा ना तो ये बाहर का, किसने गिराया? वो इस गंदे बच्चे ने गिराया होगा इसने। अब गंजे बच्चा कैसे देख रहा वहां पे, पंखा नहीं देखा बेटा कभी जिंदगी में। तो गाइस यहाँ पे आरू के नाना नानी जी आ चुके हैं, और इस समय आरू अपनी नानी की गोद में देखो कैसे बैठा हुआ है इस समय। आरू हो चुका है ऑफिस का काम डन, मतलब दिन वाला डन भाई, अभी रात में तो और पता नहीं, अभी बंदे बोल रहे कि कॉल करनी क्या करनी है, अभी जय का फोन आया था थोड़ी देर पहले 6 बजे कॉल करनी है, मैं जस्ट अभी 6 बजे कॉल बोल रहा हूँ आपको कि भाई काम डन हो चुका, 6 बजे फिर से कॉल स्टार्ट हो जाएगी। और ये लड़की खुले बालों वाली, ओ वाओ तुम्हारी चुटिया, बाल गिर जाएंगे, गिर जाएंगे, ग्रेविटी मतलब ऐसा मतलब कि वो एक बार बाल एकदम से हाथ लगाए नीचे गिर जाएंगे, हेयर फॉल हो रहा है। और ये बना रही यहाँ पे चाय, चीनी वाली बना रही है कि शक्कर वाली बना रही है? फीकी बना रही, फीकी बना रही है। अच्छा हो वो तो फीकी पीते हैं, गुड़ वाली गुड़ डाल दे यार। हाँ और ये देखिए मिठाई का डब्बा, रामपाल रामपाल की दुकान, नहीं यार नहीं खाऊंगा, नो नो शुगर, कोई शुगर नहीं खाना हमको। और यहाँ पे वार्तालाप चल रही, देखो अंदर दोनों मम्मियों की वहाँ पे वार्तालाप चल रही है, दोनों पापा बाहर अपनी धुआंधार वार्तालाप कर रहे हैं। क्यारियों पे लगे, मुझे लगा धुआंधार वार्तालाप चल रही है कुछ, पर धुआंधार वार्तालाप देख के आते बाहर क्या चल रहा है देखे रहे। वो क्या वार्तालाप कर रहा हूँ, और ये तो ये बैठा हुआ है। हाँ जी
जीप निकाली आ रहे हो, क्या खाया अभी? बस कर भाई, जी बोड़ी लाल का देखो, दोनों पापा यहाँ पर लगे हुए हैं घूमने पे। ओ यहाँ पे रिंकी देख रही है अपनी शादी की वीडियो, ये देखो जरा। हाँ हाँ कैसा लग रहा तुझे? पास्ट पास्ट में जाके है, पास्ट में जाके, पास्ट में जाके कैसा लग रहा? कुछ भी नहीं लग रहा। ले वो देख, ओ आरू देख रहा, आरू वो देख, मम्मी पापा की शादी हो रही है उधर तेरे। ओए आरू, मम्मी वो देख, मम्मी भुक्कड़ कहीं का एक नंबर है, मतलब ही देखो। और मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म करके आता हूँ 8:30 बजे, और अभी एक घंटे बाद फिर मेरी मीटिंग है 9:30 बजे। बाकी जनता बाहर बैठी हुई है, शादी की वीडियो देख रही है दोनों मम्मी, मम्मी का तो चलो फ़ोन पे है। और मैं फिर से आ गया हूँ अपनी सीट पे, 9:30 बजे फिर मीटिंग है, काम है भाई बहुत ज़्यादा। अभी मीटिंग में डिस्कस हुआ अगले 2 दिन बाद फिर वही काम दुनिया भर का, क्या करें इसका, करना पड़ेगा भैया, बिना करे कुछ गुजारा नहीं है इसका। दैनिक आपको जीवन की रीत है ये, आए हो तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा इस पापी पेट के लिए, पापी पेट, ये पापी पेट को थोड़ा बड़ा ही आज कल। तो भाई हो गया समाप्त आज का दिन, काम कुम सब हो गया, और अब सोने की तैयारी चल रही है। और ये देखो ये क्या चल रहा है, ये देखो ड्रामे, देखो ये पानी पीने के इसके, ये देखो और मुड़ गया आपके पीछे, देखो ओए आ गया, आ पकड़ इसको, दे कैसे लगा हुआ यहाँ पे एक समय हंसने को, तो देख रहा पापा क्या खा रहे हो भूखा एक नंबर का। ओ चल बे पोतली लाल, चल सो जाओ, गौल हो गए वो, बैठ गया झूलने में चाहिए बस, फिर झूलने से कौन दे पहले खान दे यार। रोड दे भाई तू, ओ कौन कौन क्या कर रहा हूँ यार, और ही चालू था और ही बैठा हो आप कि मेरा नंबर कब आएगा उधर दरवाजे के पास, उधर और ही बेचारा बैठा हुआ वहाँ पे ना कि भाई दरवाजा कब खुलेगा और मैं कब बंद रहूँगा, क्योंकि आज उसकी सोने की बारी इधर है, क्योंकि उधर मम्मी पापा सो रखे हैं, तो और ही कम इधर, क्योंकि वो यहाँ पे आशीष होता था तो मम्मी पापा सो रखे हैं, तो और ही आशीष के साथ होता था वहाँ पे। यार ये लड़की भयंकर ना, मुझे बस हर बार कुछ ना कुछ, ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो, पाउडर दे दो, कहाँ है पाउडर अभी, आदमी खड़ा मिला नहीं के बस, माँ बेटे को चैन नहीं है। ओ बेटा कहता खड़ा है तो पकड़ लो, और ये देखो खड़ा है तो पकड़ा दो। तो चलिए यार इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नींद बहुत आ रही है इस चेयर पे बैठ बैठ के ना भाई, एक तो पेट दर्द होने लग गया और दूसरा कमर दर्द अलग से होने लग गई।
तो चलिए कमर सीधी करते हैं, अब सोते हैं अब थोड़ी देर में, क्योंकि थोड़ी देर पहले अब रील भी स्वाइप करेंगे ऐसे ऊपर ऊपर करके, ऐसे करके ऐसे, ये तो पक्का ही करेगी। ये देखो ये मुझे देख रहे के है कर जा रहा है। ओ क्यों पकड़ रखा तूने अपना यंत्र कहता यार। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए विपिन रावत साइनिंग ऑफ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट।